तो फाइनली आ गए हैं छपरा जंक्शन, जाने हैं दिल्ली को। देख सकते हैं ये छपरा जंक्शन। अभी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ टिकट काउंटर के पास अपना PNR स्टेटस लेना। क्या PNR स्टेटस? 12 बजे को ट्रेन है, देखता हूँ। सो ट्रेन नंबर 02563 12 बजे और आएगी। किस प्लेटफॉर्म पे आएगी? एक नंबर। ठीक। Never gonna be the same. This is just what I became. Bitches be screaming out my name. Gotta stop playing this game. बोल रहे हैं कि वहाँ पे एक ट्रैक पे आदमी है जिसको उठने की कोशिश कर रहा है, उठ नहीं पा रहा है। उसका पैर कटा हुआ है, ऐसे कर दिया है। नीचे का तलवा उसका पूरा कटा हुआ है और उठने का कोशिश कर रहा है, कितना देर से नहीं उठ पा रहा है। हाँ, वहाँ पे ये आदमी है, बूढ़ा आदमी है, काला है, गोल लगा हुआ। नहीं, उसका पैर नीचे से कटा हुआ है, तलवा उसका, उसका तलवा मतलब जो है ना, अभी कटा है। नहीं अभी नहीं, हम अभी देखे हैं कि वो उठने की कोशिश कर, लेकिन उठ नहीं पा रहा है, गिर जा रहा है बार बार। उसका अगर मदद हो जाएगा तो ठीक रहेगा, धूप में है वो। वहाँ पे बगल में ट्रैक पर जी जी नहीं, यहाँ पे ट्रैक नहीं है, जो खाली ट्रैक है वहाँ पे ट्रेन में नहीं चलती है। बगल में ही कब से पार हो रहा होगा, कहीं जा रहा होगा, जा रहा होगा या क्या है, नहीं उसको नहीं। कब से वो बेचारा बूढ़ा है, उठने की कोशिश कर रहा है, नहीं उठ पा रहा है, गिर जा रहा है बार बार, पैर हाथ नीचे से कटा हुआ है उसका। देख लीजिए वहाँ पे बगल में ही है। देख लीजिए सर, जाइए ना, देखिए। दोस्तों अभी ऐसा एक इंसिडेंट देखने को मिला है अभी छपरा जंक्शन पे। मैं अभी हूँ, एक वृद्ध आदमी है जिसका नीचे से पैर जो है, जो तलवा होता है ना, वो दोनों तलवा पूरा मतलब वहाँ का मांस हट गया है और वो कब से उठने की कोशिश कर रहा है पर वो उठ नहीं पा रहा है। मैं अभी जाके रेलवे पुलिस फोर्स को यहाँ पे मैं जाके इन्फॉर्म किया कि देखिए धूप में कोई अनहोनी भी हो सकती है उसके साथ, तो वो उठने की कोशिश कर रहा है पर उठ नहीं पा रहा है। इसी गंभीर हालत है कि वो मर भी सकते हैं। पुलिस फोर्स को मैं अभी एक्शन किया, उन्होंने बोला कि आ रहे हैं पर वो साथ में आए भी नहीं। मैंने बोला कि साथ में चलकर जगह देख लो, बगल में है, और बोले कि जिसका ड्यूटी होगा वो देखेगा, वो करते करते अभी मैं वहाँ ही गया हूँ स्पॉट पे। यार क्या गजब का सीन है, बहुत ठीक लगा। देता दोस्तों अब मैं क्या ही बोलूँ, मैं रेलवे पुलिस फोर्स को छपरा जंक्शन की क्या ही मैं बोलूँ। एक बार मैं वहाँ बता किया गया, मैं उतने देर वहाँ पे खा रखा, फिर स्टिल यहाँ पे स्टिल कोई नो एक्शन। अभी तक कोई एक कांस्टेबल तक नहीं आया वहाँ पे। अरे और वो क्या कहते हैं, स्टेशन के एकदम बगल में ही है स्पॉट ट्रैक पे वो आदमी है, वो खाली ट्रैक है, वहाँ पे ट्रेन वहीं चलती है। एक बार फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं इस बार क्या होता है। तो बोल रहे हैं कि जाइए ना, आपका काम क्या है, इसका जवाब देख लेगा। यही तो एक्शन हो रहा है बिहार सरकार की तरफ से। देख सकते हैं अभी दोबारा बोलने पर एक AS आई गई है।
एक रिजर्व पुलिस फोर्स टीम में से एक कांस्टेबल वहाँ पे अभी गई है स्पॉट पे बोलने के बाद, देख सकते हैं वहाँ पे अभी भी वो आदमी बहुत ही उठने कोशिश कर रहा है वो, पर वो उठ नहीं पा रहा है, देख सकते हैं अभी वो ऐसे में गिरा हुआ है। पता नहीं वो किस टीम को इन्फॉर्म कर रहे हैं पुलिस, शायद वो हेल्थ केयर के पास इन्फॉर्म कर रहे होंगे। अब लगता है कुछ एक्शन हो जाएगा और उसकी जान बच सकती है, नहीं तो उस समय बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी। अगर वो देख सकते हैं इतनी तपती हुई गर्मी में 45 डिग्री सेल्सियस में उसकी जान बचनी तो बहुत ही मुश्किल ही थी। एक आम इंसान को इतना मुश्किल होता है तो फिर ये तो वृद्ध हैं, उसके बाद ये इतने पीड़ित हैं, पता नहीं है कैसे इनके साथ ये ऐसा हुआ है। और आगे कुछ अच्छा ही होगा, पुलिस की टीम आ चुकी है। धन्यवाद। दोस्तों आप देख सकते हैं उस वीडियो में मैं दो बार जाके रेलवे पुलिस फोर्स को जाके इन्फॉर्म किया कि वहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति जो कि बहुत पीड़ा में है और आप उसकी मदद करें। दो बार बोलने के बाद वहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल गई और सिर्फ एक लेडी कांस्टेबल, वो एएसआई के पद पर थी, वन स्टार उनके शोल्डर पे था और तब वो गई। अगर मैं नहीं बोलता दोबारा जाके तो मुझे नहीं लगता शायद वो लोग एक्शन भी लेते हैं। और उन्हें वो डर भी था कि मैं वहाँ पे वीडियो बना रहा था, उसके कारण मुझे लगता है ये एक्शन ले रहा है। ये चीज़ बहुत सुधारनी जरूरत है बिहार में और पूरे केंद्र सरकार, क्योंकि रेलवे पुलिस फोर्स तो पूरे केंद्र के ही अंदर आती है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि दोबारा बोलने के बाद टीम ने एक्शन लिया और उस वृद्ध व्यक्ति की मदद हो पाई। सबसे अच्छा मुझे यही लगा कि रेलवे वृद्ध व्यक्ति की मदद हो पाई और मैं इसके लिए मैं आरपीएफ का शुक्रगुजार ही रहूँगा कि उन्होंने मदद किया। और दोस्तों ये वीडियो जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो तब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नहीं अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिसलाइक करके आगे बढ़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।